हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बागदेव ट्यूटर। आज आम एही क्लास रे काराकर प्रश्न उत्तर को डिस्कशन करिबा, जो प्रश्न उत्तर गुड़िक अनुशीलन में रही। तेणु एक नंबर देखा, और जो पे रेगुलर क्लास देखा चाहते से निहाती भाव में चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु और बेल आइकन में प्रेस करके अन् नोटिफिकेशन रे सेट कर दिंतु। एवं जदि ओडिया व्याकरण अन्यान्य अध्यायर क्वेश्चन आंसर देखा चाहते डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे प्ले लिस्ट लिंक मिल जाव, सेठ जाए से क्लास गुड़ी देखिपर। एक नंबर देख दे कारक क्या कहती के प्रकार उत्तर लिख वाक्य मध्य क्रियापद सहित अन्य पद मानक संपर्क को कारक कहती। कारक छ प्रकार यथा कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, उपादान कारक, गोटा हूँ अधिकरण कारक। दुई नंबर कर्मकारक और संप्रदान कारक मध्य कि प्रभेद अच्छी कि प्रभेद रही दृष्टांत सह दर्शाओ। उत्तर लिखिए कौन ना कर्ता द्वारा संगठित होता कर्म को वाक्य प्रकाश करागले सेठे कर्मकारक होता है, कर्मकारक द्वितीय व्यक्ति होता है। जमीक एग्जाम्पल है कलम्बस आमेरिका आविष्कार करते। देख नेक्स्ट एठार आमेरिका हूँ कर्म किंतु संप्रदान कारक हूँ क्या कौन सी वस्तु संपूर्ण रूपे दान करवा संप्रदान कारक कह जाए दान अर्थ ना कौन। तेणु जथा ब्राह्मण को दक्षिणा दिखे ब्राह्मण दक्षिण संपूर्ण अधिकारी तेणु एक क्षेत्र में ब्राह्मण को हे संप्रदान कारक। धोबा को लुगा दि जदि आम धोबा को लुगा दौचे लुगाटा आम आई तेणु संपूर्ण अधिकारी नुहे से एक क्षेत्र में धोबा को हम कर्म कारक। तेणु कर्म कारक द्वितीय व्यक्ति होता बेले संप्रदान कारक चतुर्थ व्यक्ति होता है। मन रख कर्म कारक जिते बड़े द्वितीय व्यक्ति होता है से संप्रदान कारक चतुर्थी व्यक्ति होता है। तीन नंबर संबद पद क्या कहते उत्तर लिख वाक्यर जो पदरे षष्ठी व्यक्ति लगी थाए हो रही थाए ताक संबद पद कहुए। क्रियापद सहित संबद पदर किसी संबद न थाए कौन परवर्ती कारक सहित। उदाहरण है भारतर राष्ट्रपति ओडिशा आसी यही वाक्य क्रियापद आसी सहित भारतर पदटीर कौन संबद ना यही पदर षष्ठी व्यक्ति होठे भारतर पदटी हूँ संबद पद। चार नंबर अधिकरण कारक केते प्रकार उदाहरण सहित आलोचना कर उत्तर लिख अधिकरण कारक हूँ दि प्रकार यथा स्थानाधिकरण आउ काधिकरण। उदाहरण है स्थानाधिकरण गचरे फूल फुटी काधिकरण उदाहरण है वर्षा ऋतु बेंगल रड़ी शुभे। पांच नंबर विभिन्न अर्थरे उपादान कारक व्यवहार दर्श देख ना विभिन्न अर्थरे उपादान कारक व्यवहार देख देख क्षीरु छेना तैयारी हुए यहाँ हूँ उत्पत्ति अर्थरे बंदीटी कारागार मुक्त हैला यहाँ हूँ मुक्ति अर्थरे से मत विपदर रक्षा कले यहाँ हूँ रक्षा अर्थरे। छ नंबर निम्नलिखित वाक्य रेखांकित पद मान कारक निर्देश कर ये जो रेखांकित पद गुड़ा रहा युगर कारक देखा बाड़के मोर बोल कर राजा दरिद्र मान अर्थदान कले लोभर बाप जन्म लोकटी लंगल चाष करूँ राम बाबू दरजी को कना दे यार आम आंसर देखा कौन रही देख बाड़के मोर बोल कर बाड़के मोर बोल कर कौन हम ना कर्ता कारक हम। तापर सेकेंड देखिए राजा दरिद्र मान अर्थदान कले कौन हम ना संप्रदान कारक हम। तापर नेक्स्ट देखिए लोभर बाप जन्म लोभर बाप जन्म कौन हम ना उपादान कारक हम। यापर लोकटी लंगल चाष करूँगी तेल एटा कौन हम ना करण कारक हम। यापर नेक्स्ट देख राम बाबू दरजी को कन्ना दे सम्यक दवा तेणु यहाँ हम कौन कर्मकारक कहीं दरजी ठू आउ थे कौन आनी भारी। तब देख नेक्स्ट खजूरी गछ मूलर पहाच पहाच कौन हम उपादान कारक। पाछ पानी से खेलुची अधिकरण कारक बर्षा दिन जामुकोली पाचे कौन हम कर्ताकारिक क्षीरु छेना हुए उपादान कारक हरिबाबू गणित पटु अधिकरण कारक। सात नंबर निर्देश अनुसार उत्तर लेख कौन देखी मेघरे आकाश ढांकी हो जाए कर्ताकारटा चिन्ह कर्ताकारटा कौन हम आकाश हम कौन हम ना आकाश हूँ एठे कर्ता कारक। सुविधा हेले आस कर्ताकारटी लेख कौन ना तुम्हें सुविधा है आस मैं तुम्हें उभ अच्छे तुम्हें सुविधा है आस तेणु तुम्हें हम ये कौन ना कर्ता कारक
ଗୋପବନ୍ଧୁ ବହୁତ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। କର୍ମକାରକ ସୂଚାଉଥିବା ପଦଟିଏ ଲେଖ। ଡ୍ୟାସ୍ ଅର୍ଜନ କରୁଥିଲେ ନା କ'ଣ, କ'ଣ ଖ୍ୟାତି ବା ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରୁଥିଲେ। ତା'ପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ, ଚୈତନ୍ୟ ପୁରୀକୁ ଆସିଥିଲେ, କର୍ମକାରକ ଚିହ୍ନ କ'ଣ, ପୁରୀକୁ ହେଉଛି କର୍ମକାରକ। ତା'ପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ, ଦ୍ୱାରା ଶବ୍ଦକୁ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରି କରଣ କାରକରେ ପରିଣତ କର। ଦ୍ୱାରା ଶବ୍ଦଟାକୁ କ'ଣ ହେବ ନା, ମୁଁ ଛୁରୀରେ ପରିବା କାଟୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଛୁରୀ ଦ୍ୱାରା ପରିବା କାଟୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଆମ ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହେ, କରଣ କାରକ ଚିହ୍ନ, କରଣ କାରକ କେଉଁଟା ହେବ ନା ବ୍ୟାୟାମ ଦ୍ୱାରାଟା ହେବ। ତା'ପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ, ମହୁମାଛି ଫୁଲରୁ ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରେ, ଫୁଲରୁ ହେଉଛି ଏଠାରେ ଉପାଦାନ କାରକ। ଡ୍ୟାସ୍ ଭଲ ଫସଲ ହୋଇଛି, ଉପଯୁକ୍ତ ଅଧିକରଣ କାରକ ଗୋଟିଏ ଲଗା, କ'ଣ ହେବ, ଏ ବର୍ଷ ଭଲ ଫସଲ ହୋଇଛି, ଡ୍ୟାସ୍ରେ ଗଛ କଟା ହେଉଛି, ଅଧିକରଣ କାରକ ଲଗେଇବା ନା ରାସ୍ତା କଳରେ ଭଲ, ଯେଉଁ ରାସ୍ତା କଳରେ ଗଛ କଟା ହେଉଛି। ତା'ପରେ ହାତୀ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗୁଛି, କ'ଣ ହେବ, କର୍ମକାରକ ନା ଡାଳ, ଡାଳଟା ହେଉଛି ଏଠାରେ କର୍ମକାରକ। ତେଣୁ ଆମେ ଫାଇନାଲି କାରକର ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍କୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଲେ, 1 ନମ୍ବର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 7 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଣୁ ଏ ବିଷୟରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ଯଦି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧ୍ୟାୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟରେ ଲିଙ୍କ୍ ମିଳିଯିବ, ସେଠାରେ ଯାଇ ସେ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଥିସହିତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଠାରେ ମୁଁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।